स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग क्वेश्चन है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। यानी हम अरिथमेटिक में पढ़ चुके हैं, हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सो यहाँ पर जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी करना है इस चैप्टर में, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो आप पहले जान चुके हैं पिछली वीडियो से कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यानी हम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को एक नाम देते हैं आयोटा आई का, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। हमारे पास जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारे पास ए प्लस बी आयोटा, यानी इस फॉर्म में होता है 2+3 आयोटा। इसमें हमारे पास एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। जो हमारे पास आयोटा के अलावा वाला नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज सीखते हैं कि हमारे पास जो एडिशन के क्वेश्चन हैं कम्प्लेक्स नंबर के, वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 2+3 आयोटा प्लस 7-2 आयोटा। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इक्वल डालना है, और इक्वल के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स कैसे रिमूव करनी है, ब्रैकेट कैसे रिमूव करनी होती है कि अगर ब्रैकेट से पहले कोई साइन हो प्लस या माइनस का हो तो उसको हम अंदर लेके जाते हैं, या कोई नंबर हो इस तरीके से 2, 3, 4 तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, यानी सिर्फ ब्रैकेट है और कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है मल्टीप्लाई वाला। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको लिखना है 2+3 आयोटा। ये हमारे पास जैसे पड़ा है इसको आपने लिखना है 2+3 आयोटा। तो ये फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस जो है साइन को चेंज नहीं करता। तो आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, उसके बाद 7 है और 7-2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपने एडिशन में क्या करना है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में या सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना होता है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रियल पार्ट कौन सा है, हमारे पास एक 2 है और एक 7 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, हमारे पास ये 3 आयोटा और -2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इनको कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे सॉल्व करना आसान हो। 2+7 इधर आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या है, 3 आयोटा -2 आयोटा, ये अलग आ जाएंगे। इनको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2+7=9 एंड प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से आप 2 निकाल लें, इस तरह आप 3x में से 2x निकालते थे अलजेब्रा में। हमारे पास क्या आता था, सिंपल x, तो यहाँ भी क्या आएगा, हमारे पास सिंपल आयोटा आएगा और साइन बड़े का आएगा। तो जब आप 3 में से 2 निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आप 9+1 आयोटा भी लिख सकते हैं या सिंपल आयोटा भी लिखें, तो हमारे पास ये ओके है। तो ये हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 9 है और बी क्या है, 1 है। तो अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ज़रा उससे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 नज़र आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर, और इसके बाहर क्या है, -3 है। तो पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करनी है और जो हमारे पास बाहर नंबर है उसको अंदर लेके जाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि 2 के साथ प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आयोटा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसके बाद माइनस साइन है और 3 है, और जब -3 अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा और मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करें 7 से, हमारे पास क्या आता है, 21 आता है। और उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, अगेन माइनस होगा। और 3 को मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा से, हमारे पास क्या आएगा, 12 आयोटा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप, ब्रैकेट्स ऑफ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। 10-21 अलग हो जाएगा और प्लस 8 आयोटा -12 आयोटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें पिछले क्वेश्चन की तरह। अब 10 में से क्या निकालना है, 21 निकालना है। तो आप रूल यूज़ कर सकते हैं प्लस माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 21 से 10 निकाले, हमारे पास 11 बचेगा और साइन बड़े का, बड़ा चूंकि 21 है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, आयोटा वाले टर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इमेजिनरी पार्ट को। 8 आयोटा -12 आयोटा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 12 से 8 निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 4 आयोटा बचेगा और साइन किसका आएगा, बड़े का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आयोटा। यानी 8 से 12 निकालें, हमारे पास क्या बचता है, 4 आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है और आंसर क्या है इसका, -11 -4 आयोटा।
11 यहाँ पे a है और जो हमारे पास b है वो क्या है, माइनस 4 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है सेकंड पार्ट की तरह। आपने क्या करना है, सिंपली हमारे पास माइनस साइन बाहर पड़ा है, इसको अंदर लेके जाएंगे, इधर भी माइनस साइन बाहर, इसको अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा और 5/8 वैसे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ने क्या किया, दोनों के साइन चेंज कर दिए। यहाँ भी क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास माइनस 4 बन जाएगा और आगे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 9/8 आ जाएगा। अगला स्टेप सिंपल है, आपने क्या करना है, रियल को रियल में और इमेजनरी को इमेजनरी में, 3-4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 5/8 है और आगे क्या है, माइनस 9/8 है। तो ये हमारे पास इस तरफ राइट हो गया सिंपल फॉर्म में। अब इनको सॉल्व कर लें, 3-4 निकालें, हमारे पास क्या बचता है, माइनस 1 बचता है, वही प्लस माइनस रूल। और आगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5+9 क्या होगा, 14/8, और साइन दोनों का नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये 14/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस b/8 के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे a हमारे पास -1 है और b क्या है, -14 है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये ज़रा लेंथी है बट सिंपल ही है। आपने क्या करना है, आपको एक वैल्यू याद होगी एवटा स्केयर की। आपने क्या करना है, इन सारे टर्म को जिनमें एवटा शामिल है इनको एवटा स्केयर के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास एवटा स्केयर किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास वैसे ही आएगी जिस तरह आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एटा क्यूब है तो इसको एटा स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एटा इसका अलग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटा डॉट एटा का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमने इसको इवन के फॉर्म में लेके जाना है। उसके बाद हमारे पास प्लस है, प्लस के बाद 3 है, 3 वैसे आ जाएगा। एटा 16 है तो आपने क्या करना है, एटा को पावर के फॉर्म में लेके जाना है, एटा स्क्वायर की पावर क्या क्या बनेगी हमारे पास, तो एटा 2 की पावर हमारे पास क्या बनेगी कि हमारे पास जो है 16 पूरा हो जाए, तो हमने क्या करना है, एटा 2 की पावर क्या लेनी है, 8 लेनी है, हमारे पास क्या होगा, ये 16 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास पावर जो है एटा की ऑड है, तो एक एटा हम अलग करेंगे और इसको इवन बनाएंगे, एटा इंटू एटा 18 आ जाएगा हमारे पास, तो एटा 18 लिखें। उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसके टर्म है वो कौन सी है, +4/25 है, इसमें भी वही काम करना है, एक एटा अलग करना है और हमारे पास क्या बच जाएगा, एटा की पावर क्या बन जाएगा, 24 बच जाएगा। तो ये मेथड बेसिकली है, अगर ऑड हो तो आपने क्या करना होता है, उसको इवन में लेके आना होता है, एक एटा अलग कर लें तो इवन बन जाएगा, अगर इवन अलग क्या करें आप एटा स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएँ। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा और उसके बाद +6 है, +6 एज इट इज़ आएगा, एटा भी एज इट इज़ आएगा। उसके बाद क्या हमारे पास एटा स्क्वायर है, तो एटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, ये पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस है और 3 है, ब्रैकेट में क्या एटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है एटा स्क्वायर को -1 से। यहाँ भी हमने रिप्लेस किया एटा स्क्वायर को -1 से और यहाँ भी क्या किया हमने, एटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया। तो पावर इसकी क्या आएगी हमारे पास, 8 आएगी, पावर लिख लेते हैं 8। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, -6/8 है, वो हमारे पास एज इट इज़ आएगा 6/8 और आगे एटा 18 है, तो एटा 18 को हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे एटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटा स्क्वायर आएगा। उसके बाद उसकी पावर क्या आएगी हमारे पास, एटा 2^9 लें तो हमारे पास 18 बनता है। और आगे हमारे पास बिल्कुल सेम स्टेप, 4/8 एज इट इज़, और आगे पड़ा हमारे पास एटा 24, तो आपने क्या करना है, इसको एटा स्क्वायर की फॉर्म लिखना है, तो एटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, एटा स्क्वायर की पावर हम ले लेंगे 12, ताकि हमारे पास जो है 2012 क्या हो जाए, 24 हो जाए। तो यहाँ पे आपने गौर करना है, हमने तमाम इवन नंबर को एटा स्क्वायर के फॉर्म में ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 बनता है। इस तरह हमारे पास 18 था, इसको हम किस फॉर्म में ले आए हैं, एटा स्क्वायर के फॉर्म में, 2 9 18, और इस तरह इस स्टेप में 2 12 24। तो अब हमारे कुछ स्टेप रह गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला 2 -1 क्या होगा, -2 बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या बनेगा, 6/8 -1, तो ये +-, और 6/8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इधर आपने ज़रा इसको केयरफुली सॉल्व करना है, 3 है और 3 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा, -1, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 8 है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो आंसर हमारा क्या आता है, प्लस में आता है, और 1 की पावर 8 हो, 1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6/8 एज इट इज़,
और एट स्क्वायर की पावर 9 है, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 1 एट स्क्वायर की जगह पे, और पावर हमारे पास क्या रहेगी, वही 9 ही रहेगी। अगला स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, और अगला स्टेप भी बिल्कुल इस तरीके से है, 4 एटा एज इट इज़, और एट स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है आपने, माइनस 2 वैसे और माइनस 6 एटा भी वैसे आ जाएगा, और ये प्लस 3 ज़रा 1 क्या होगा हमारे पास, प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 6 एटा है, अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें एटा, अब यहाँ पर माइनस 1 है, पावर क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे याद रखना है आपने, जब बेस नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा, और 1 की पावर 9 1 ही होता है। उसके बाद प्लस 4 एटा है, 4 एटा राइट कर लें, उसके बाद ब्रैकेट है, और इधर क्या है माइनस 1 की पावर 12 है, अगेन वही रूल, नेगेटिव बेस ला, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 माइनस 6 एटा और प्लस 3 आ जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा हमारे पास सॉल्व होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 एटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 एटा आएगा, और ये प्लस 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 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एटा आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इसको सॉल्व करें, माइनस 2 प्लस 3 ये रियल पार्ट हैं, अलग हो जाएंगे, और ये माइनस 6 और ये प्लस 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये 0 हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास प्लस 4 एटा, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब लास्ट स्टेप आ चुका है, आप इसको सॉल्व करें, 3 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 निकालें 1, और साइन बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा ये वाला नंबर, और 1 प्लस 4 एटा एज इट इज़ हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर ए प्लस बी एटा के फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पे ए हमारे पास 1 है और बी क्या है 4 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, आपने इसको ज़रा केयरफुल सॉल्व करना है, मेन काम क्या है आपने सबको एटा स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है, और फिर आपने क्या करना है वहाँ से माइनस 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। आई होप सो आपको ये टॉपिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।